सर क्या है ये? गोरखपुर एसटीएफ, बिहार एसटीएफ और मऊ पुलिस के द्वारा कल रात से एक ज्वाइंट कार्रवाई की गई है, जिसमें जो सूचना एकत्रित की गई थी उस सूचना के आधार पर प्रथम दृष्टया एक जगह पर और वहां से और सूचना एकत्रित होने पे एक और जगह पर, ऐसे दो जगहों पे मऊ में रेड की गई। रेड की गई तो दो व्यक्तियों के घर में ये पाया गया कि उनके द्वारा बाथरूम के नीचे 2x2 का एक जाने का रास्ता बनाते हुए एक छोटा कमरा जो लगभग 8 से 12 फीट का है, जिसमें दो मशीनें लगाई रखी थी, जहां पर मशीनें लगाने के बाद हार्डली 2 या 3 व्यक्ति खड़े हो सकते हैं, और उस कमरे में इनके द्वारा लोहे से असला बनाने का सामान बनाया जाता था, और उसको इनके द्वारा उनके घर की महिलाएं और उनके द्वारा मिल करके 15 से 20 दिनों के अंतराल में ट्रेन से या अन्य किसी साधन से बिहार में जाके एक और अभियुक्त जिसमें प्रकाश में आया सज्जाद, इसको पहुंचाया जाता था। वहां पर उसके द्वारा इस पूरे पहुंचाए गए सामान के आधार पर पिस्टल को असेंबल किया जाता था और उसको बेचा जाता था। इस पूरे प्रक्रिया में जो लोग बनाने में कैरियर के रूप में इन्वॉल्व होने में या किसी तरीके से सहयोग में इन्वॉल्व है, ऐसे 9 अभियुक्त है जिनको हमने अरेस्ट किया है। अभी एक अभियुक्त तवरेज, जो कि यहाँ पे रहने वाला है और उसी के घर में ये कारोबार चल भी रहा था, वो अभी वांटेड है, उसको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा एक और अभियुक्त जो बिहार का है और उसको ये पार्ट्स बेचने का और उसके बाद उसके द्वारा मसला बना करके इसको बेचने के संबंध में जो सूचनाएं मिली है उसको भी इसमें वांटेड किया है, उसके खिलाफ भी आगे कार्रवाई हम लोग करेंगे। इसमें टोटल 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं और जो सामान मिला है वो तरह तरह की चीज़ों का है, जिसमें लोहे का अलग अलग जो पिस्टल का सामान होता है, अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं वो बरामद हुए हैं, जिनसे लगभग 350 से 400 असला बनाए जाने की संभावना है। अगर वो सज्जाद को ये पूरी बात पहुंचाते तो सज्जाद इसमें इस तरीके से जो अगला लिंक है जो बिहार में इनका है वो बना सकता है। तो ये पूरी जो टीम है, तीनों टीमों ने इसमें सूचना के आधार पे काफ़ी लंबे ड्यूरेशन तक ये रेड करते हुए हर तरीके से वहाँ की सूचनाएं और जो सामान है उसको बरामद किया है। बड़ी मशीनें भी इसमें बरामद हुई है, जिसका इस्तेमाल इनके द्वारा अंडरग्राउंड एक कमरे में रख करके ये सब कुछ बनाने के लिए किया जाता था। तो इनकी